तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट फॉर यू पे। तो भाई इस वीडियो में आप सभी को मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके किसी YouTube वीडियोज के अंदर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई है और ऐसे सिचुएशन में अगर आप उस वीडियो को ही डिलीट कर देते हो, ये सोच करके इस वीडियो पे स्ट्राइक आई है तो इस वीडियो को मैं अगर डिलीट कर दूंगा तो फिर मेरे चैनल से स्ट्राइक हट जाएगी, क्या सच में अगर आपके चैनल पे आपकी वीडियोज पे कोई भी स्ट्राइक आ गई है और उस वीडियो को ही डिलीट कर देते हो तो क्या सच में आपके चैनल से स्ट्राइक हट जाएगी? इस वीडियो में आपकी मैं ये कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपके किसी YouTube वीडियोज के अंदर स्ट्राइक आ गई है और उस वीडियो को अगर आप डिलीट कर देते हो तो उससे आपको फायदे होंगे या नुकसान। तो कंप्लीट ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना और ध्यान से सुनना, ठीक है? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उन्हें स्टार्टिंग में उतनी ज्यादा जानकारियां नहीं होती हैं और ऐसे में अगर उनके किसी यूट्यूब वीडियोज के अंदर स्ट्राइक आ जाती है, चाहे वो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक हो या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक हो, तो फिर वो लोग उस वीडियो को ही डिलीट कर देते हैं ये सोचकर कि इसे मैं डिलीट कर दूंगा तो मेरे चैनल से स्ट्राइक हट जाएगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि अगर आपके किसी यूट्यूब वीडियोज के अंदर कोई स्ट्राइक आ गई है और उस वीडियो को अगर आप डिलीट कर देते हो तो आपके चैनल से वो स्ट्राइक बिल्कुल नहीं हटेगी। जब एक्सपायर होगी वो स्ट्राइक 3 महीने के बाद, तब भी वो स्ट्राइक हटेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं हटेगी, ठीक है? तो आप लोगों को ये मतलब अगर ये सोच रहे थे कि डिलीट करने से स्ट्राइक हट जाएगी, तो मैं आपको ये क्लियरली बता दे रहा हूँ कि स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं हटेगी। जब वो एक्सपायर होगा 3 महीने के बाद तभी स्ट्राइक हटेगी। अब यह दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि देखो, अगर आपके किसी YouTube वीडियोज के अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं, कॉपीराइट क्लेम है और उस वीडियो को अगर आप डिलीट करते हो तो फिर आपके वीडियो से कॉपीराइट का क्लेम हट जाएगा, आपके चैनल से कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा, ठीक है? कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके वो वीडियो देख लेना, जरूर से इस वीडियो को पहले आप लोग देख लो, ठीक है? तो यार देखो, अगर आपके किसी YouTube वीडियोज के अंदर कॉपीराइट क्लेम है और आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हो तो उससे मतलब आपका जो क्लेम है, आपके चैनल पर जो कॉपीराइट क्लेम आया है वो डिलीट हो जाता है, उससे आपको मतलब फायदे हो सकते हैं। तो भाई आपको मैंने ये तो बता दिया कि वीडियो डिलीट करने से आपके चैनल से स्ट्राइक हटेगी या नहीं, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप वीडियो को डिलीट कर देते हो तो इससे आपको फायदे होंगे या नुकसान। तो भाई देखो, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इससे आपको नुकसान ही होंगे, क्योंकि यार देखो, अगर आपके चैनल पे मान लो एग्जांपल के लिए कोई फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आई है और उस वीडियो को ही आपने डिलीट कर दिया है ये सोचकर कि डिलीट करने से मेरा स्ट्राइक हट जाएगा मेरे चैनल से, और वो स्ट्राइक लेकिन फेक था, तो अब भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इससे आपको ही लॉस हो रहा है, ये मतलब आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है? क्योंकि यार देखो, अगर आपके चैनल पर कोई फेक स्ट्राइक आती है तो आप उसे फाइल काउंटर कर सकते हो और यूट्यूब को बता सकते हो कि ये फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया अपने वीडियो में, तो फिर आपके चैनल से फेक कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाती है। लेकिन यार अगर आप उस वीडियो को ही डिलीट कर देते हो और फिर फाइल काउंटर करना चाहते हो तो फिर क्या मतलब किस चीज को लेकर आप लोग फाइल काउंटर करोगे, ठीक है? यार जब आपके पास सबूत ही नहीं होगा, आप वीडियो को ही मिटा दोगे तो फिर आप फाइल काउंटर कैसे करोगे? तो अगर आपके चैनल पर कोई फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है और उस वीडियो को अगर आपने डिलीट कर दिया और फिर फाइल काउंटर करना चाहोगे तो इससे आपको कुछ भी फायदे नहीं होंगे, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि चाहे वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक हो या फिर ओरिजिनल कॉपीराइट स्ट्राइक हो, आपको वीडियो डिलीट करना ही नहीं है, ठीक है? तो भाई कुल मिलाकर आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके किसी YouTube वीडियोज के अंदर कोई भी स्ट्राइक आ गई है तो उस वीडियो को आपको बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना है। डिलीट करने से तो आपको कुछ फायदे होंगे नहीं और ना ही आपके चैनल से वो स्ट्राइक हटेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेटर इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल हुई होगी। तो प्लीज भाई, इतना मेहनत किया हूं आप सभी लोगों के लिए, एक लाइक तो बनता है, प्लीज भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज देखने के लिए, इंटरेस्टिंग यूट्यूब से टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, प्लीज भाई हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना और ऑल नोटिफिकेशन कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।